इंडिया गठबंधन का पीएम फेस क्या होंगे नीतीश? मोदी के करीब दिखने के बाद ललन सिंह का बड़ा ऐलान। लालू यादव और राहुल गांधी अब क्या करेंगे? लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ इंडिया के कई दलों ने कांग्रेस के साथ मंच साझा करने से इनकार कर दिया है, तो दूसरी तरफ इंडिया के समन्वय समिति की बैठक में स्वास्थ्य कारणों से ललन सिंह नहीं पहुंचे। ऐसे में पहली बड़ी बैठक में इनकी अनुपस्थिति से बिहार की राजनीति में खलबली मची हुई है। वहीं अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीएम फेस को लेकर कुछ ऐसा दावा किया है जिसे एक तरह से इंडिया के लिए सख्त संदेश समझा जा रहा है। आइए इस वीडियो में हम जेडीयू की रणनीति और इंडिया के हालात पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जब से नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है तब से चर्चाओं का बाजार गर्म है। दरअसल बीते डेढ़ वर्षों में कई ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात कर सकते थे, पर उन्होंने हर बार इनकार कर दिया। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के कई नेताओं के विरोध के बावजूद उन्होंने न सिर्फ दिल्ली से मिले निमंत्रण को स्वीकार किया बल्कि मोदी से अच्छे माहौल में मिले। वहीं दिल्ली में इन दोनों नेताओं के बीच जिस तरह की बॉन्डिंग देखने को मिली, उसके बाद से ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के करीब आ रहे हैं। वैसे भी इस समय भले ही विपक्षी गठबंधन इंडिया मजबूत दिख रहा हो, लेकिन यहां अभी तक नीतीश कुमार को वो सम्मान नहीं मिला है जिसके वो हकदार है। ऐसे में दिल्ली में मोदी से नीतीश की मुलाकात को इंडिया के लिए सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ ही अब ललन सिंह ने नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह का बयान दिया है उसे इंडिया के लिए अल्टीमेटम समझा जा रहा है। आपको बता दें कि ललन सिंह ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य बताया है। वैसे भी जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता पिछले कई महीनों से नीतीश को पीएम पद के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वहीं अब ललन सिंह ने भी कह दिया है कि नीतीश कुमार पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। हालांकि मुख्यमंत्री खुद इस बात से इनकार करते हुए कहते हैं कि उन्हें किसी भी पद की इच्छा नहीं है, लेकिन इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार ने राज्यों में घूम घूम कर असंभव से दिख रहे काम को संभव कर दिया, विपक्ष को एकजुट किया, लेकिन जब उन्हें इसका इनाम देने की बात आई तो सबसे कन्नी काट ली। खासकर बात राजद की करे तो लालू यादव का तो राहुल गांधी की तरफ झुकाव बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने तो इशारों में राहुल गांधी को विपक्ष का दूल्हा भी बना दिया। वहीं मुंबई बैठक में नीतीश कुमार के संयोजक बनने की पूरी संभावना थी, लेकिन इससे पहले ही लालू यादव ने यह कहकर जदयू की उम्मीदों को झटका दिया कि कोई भी एक नेता संयोजक नहीं बनेगा। वहीं अब ऐसी चर्चा है कि लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारा राजद करेगी, यानी कि लालू यादव और तेजस्वी यादव यह तय करेंगे कि नीतीश कुमार की जदयू को कितनी सीटें मिलेंगी। देखें तो नीतीश कुमार का जिस तरह का राजनीतिक इतिहास रहा है उसको देखते हुए यह साफ है कि उन्होंने हमेशा ही अपने शर्तों पर राजनीति की है। इसकी वजह से उन्होंने कई बार गठबंधन तोड़े तो एक बार उन्होंने सीएम की कुर्सी को भी त्याग दिया था। ऐसे में वे इंडिया में रहने के लिए अपमान सहें या किसी के आगे सीटों की डिमांड करें, ऐसा उनकी राजनीति से मैच नहीं खाता। इन सब के बीच एक तरफ नीतीश कुमार ने जहां मोदी से अच्छी मुलाकात की, तो दूसरी तरफ पीएम फेस के लिए ललन सिंह ने जिस तरह से नीतीश कुमार को योग्य बताया है उससे ऐसा लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार को मन मुताबिक सम्मान नहीं मिला तो इंडिया की मुश्किलें बढ़ सकती है। इसके साथ ही इंडिया से जुड़ी बड़ी खबर यह भी है कि मुंबई बैठक के बाद देश भर में दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी, पटना और लखनऊ में साझा रैली के साथ ही चुनावी राज्यों में भी इंडिया गठबंधन की साझा रैली का प्रस्ताव आया था। लेकिन अब ऐसी खबरें हैं कि गठबंधन में शामिल कई दलों ने कांग्रेस के साथ साझा रैली करने से आपत्ति जताई है। दरअसल विधानसभा चुनाव में इंडिया के कई घटक दल एक दूसरे के खिलाफ दिख सकते हैं। इसकी वजह से उनका कहना है कि कांग्रेस के साथ मंच साझा करना उनके लिए घाटे का सौदा साबित होगा। ऐसे में इंडिया में आगे क्या होता है, गठबंधन किसे संयोजक या पीएम फेस बनाता है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के वीडियोस के लिए बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।